बहुत स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला लिया गया है। कैसा रहा पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वो किसानों को खुश करने वाली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किश्त जारी की। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए गए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी सबसे पहले मोदी पीएम सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था, और पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने ये वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 4,21,00,000 घरों का निर्माण करा चुकी है, और अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आज की कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के पहले 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा भी की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब, और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब, मोदी मंत्रिमंडल का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व नजर आता है। ओबीसी से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ के ऑफिस स्टाफ को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएमओ को पावर सेंटर नहीं बल्कि पीपल सेंटर की तरह डेवलप करना है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल पहले हमारे देश में पीएमओ को लेकर एक विशेष छवि बनी हुई थी। लोगों का मानना था पीएमओ बहुत बड़ा पावर सेंटर है, लेकिन मेरी कोशिश रही कि पीएमओ पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है,
और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं, अगर उन चीजों को लेकर के आप साथी आगे बढ़ते हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। तो तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली, और आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। पीएम मोदी ने कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, तो कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है, जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अजय टमटा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया, शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए शिवराज सिंह चौहान को दो बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दो मंत्रालय दिए गए हैं। उनके पास अब टेलीकॉम रहेगा और पूर्वोत्तर विकास विभाग की जिम्मेदारी होगी। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय विभाग का जिम्मा संभालेंगे। बात अगर राज्य मंत्रियों की करें तो दुर्गादास उइके जनजातीय विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ से एकमात्र तोखन साहू वो शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हुई वो जान लीजिए।
शिवराज सिंह चौहान कृषि ग्रामीण विकास, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम और पूर्वोत्तर विकास, टेलीकॉम पहले भी ज्योतिरादित्य के पास रहा है, तब वो कांग्रेस में थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय विभाग, पिछली बार भी यही महकमा उनके पास था, दुर्गादास उइके जिन्हें मौका मिला बैतूल से आते हैं, टीचर रहे हैं, जनजातीय विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी, सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास राज्य मंत्री, तोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मंत्रालय मिलने के बाद उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने खुशी जताई। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिताजी को बड़ी जिम्मेदारी मिली, ये काम करने का बड़ा मौका है, नई टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन हमारे साथ है, आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल शुरू कर रहे, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए इसकी सोच है, हम चाहते हैं इस मंच के द्वारा क्रिकेट को मजबूत किया जाए और खास करके ग्रामीण स्तर की जो क्रिकेट है उसको मजबूत किया जाए। इस मंच के द्वारा उनको खेलने का एक मौका मिलेगा, कमाने का मौका मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी OTT चैनल्स पे, जियो पे, जो अंतर्राष्ट्रीय कोचेज़ हैं उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, जो अनुभवी प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। उसके साथ साथ जो क्रिकेट के चारों भाग हैं, पब्लिक जो जनता है, बिजनेस कम्युनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेयर्स, साथ ये इन चारों भाग को साथ में लेके आने का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। आप चुनाव में भी सक्रिय थे और इस बार मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें BJP ने, तो क्या लग रहा है कांग्रेस का इस बार पूरा MP सफाया हो गया? वो तो आपको सामने ही नतीजा दिख रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारी जनता ने हमें विश्वास दिया है, हम पर भरोसा रखा है और हम चाहते हैं कि अगले 5 साल इस भरोसा और प्यार को दुगने स्तर पे प्रगति और विकास के तौर पे उनको वापस कुछ दें। आपके पिताजी को बड़ी जिम्मेदारी मिली, टेलीकॉम विभाग मिला है, तो किस तरह देखते हैं, किस तरह का लगता है? बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है, जैसे आपने कहा है, मैं सरकार को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको दी है और हम बहुत उत्साहित है, वो बहुत उत्साहित है काम करने के लिए। देखिए ये महान आर्यमन सिंधिया जो बोल रहे हैं कि हम काफ़ी उत्साहित हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और निश्चित ही टेलीकॉम में काम करने का बड़ा स्कोप है, तो निश्चित ही वो देखने को भी मिलेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। जम्मू कश्मीर